नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं किचन में। तो आज बनाएंगे सूजी का इडली और साथ में रहेगा सांभर। पहले सूजी को काट लेते हैं। ये 400 ग्राम है, 200 ग्राम का पैकेट है ये। चार सौ ग्राम सूजी है और 100 ग्राम दही, ये खट्टा दही है। साथ में स्वाद अनुसार नमक, सूजी और दही अच्छे से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको बैटर बनाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। सूजी और दही को अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए इस तरह बटर बनाए हैं। अब इसको हम रेस्ट में छोड़ देंगे। सांभर बनाने के लिए हम ये सब्जी लिए हैं। देखिए कद्दू लिए हैं 100 ग्राम, बैंगन 100 ग्राम और 3-4 को सूटी लिए हैं, सहजन सूटी, टमाटर 100 ग्राम और आलू 100 ग्राम, 3-4 हरी मिर्च और लिए हैं 2 बड़े साइज के प्याज और 100 ग्राम दाल जो हम आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। तो सारे सब्जी को हम कुकर में डाल देंगे। बैंगन को हम छिलका हटा के लिए हैं। कद्दू को भी छिलका हटा के लिए हैं। राहर दाल है जो हमें आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, इसको अच्छे से धो लिए हैं। प्याज, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये गोल्डी का सांभर मसाला है। आप कोई भी कंपनी का सांभर मसाला ले सकते हैं। इसको भी डाल देते हैं। सारे सब्जी और मसाला को हम कुकर में डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। ढक्कन बंद करके इसको 4-5 सीटी लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 5 सीटी लगा लिए हैं, इसको नीचे उतार देते हैं। ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सब्जी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से पक गया है सब्जी। ये देखिए आलू भी अच्छे से गल गया है। इसको तड़का लगाने के लिए कढ़ाई गर्म होने के लिए दिए है। कढ़ाई गर्म हो गया है, सरसों तेल डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, काला सरसों, 3-4 सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग। सारे चीज़ को अच्छे से चटकने देंगे। ये देखिए अच्छे से चटक गया है। अब जो पहले से कुकर में गला के रखे है सब्जी उसको डाल देते हैं। अच्छे से चला लेते हैं एक बार। इसको अच्छे से उबाल आने तक इंतजार करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कुकर में जो बचा हुआ पानी था उसको इसमें डाल दिए हैं। सांभर में अच्छे से उबाल आ गया है। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा खुशबू निकल रहा है। सांभर बन के रेडी हो गया है, इसको नीचे उतार लेते हैं।
ये देखिए कितना सुंदर सांभर बन गया है। अब ऊपर से थोड़ा हरी धनिया का पत्ता दे देते हैं। हरी धनिया पत्ता देने से बहुत ही अच्छा खुशबू निकलता है। सांभर मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब बारी है इडली बनाने का। देखिए अब चलिए इडली को बना लेते हैं। एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए दिए हैं। इधर देखिए बेटर, सूजी का बेटर कितना गाढ़ा हो गया है, सब पानी को सोख लिया है सूजी ने। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया सूजी का बेटर। थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, बस थोड़ा सा ही देंगे पानी। पानी देके अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह बेटर होना चाहिए। ये इडली बनाने के लिए परफेक्ट बेटर है। ये देखिए इस तरह होना चाहिए। बेटर मेरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इडली मेकर, इडली मेकर में हम तेल लगा लेते हैं। हम सरसों तेल लगा लिए हैं। आप लोग चाहे तो रिफाइंड ऑयल, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तेल लगाने से ये फ़ायदा है दोस्तों, इडली उठाने में बहुत ही आसानी होता है। सारे मेकर में ग्रीस कर लिए हैं। अब बैटर में हम डालेंगे इनो। इनो डालने से ये होता है दोस्तों, इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। देखिए एक इनो हम डाल दिए हैं। अब इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि झाग आने में मदद करेगा पानी। देखिए कितना सारा झाग आ गया है। इनो डालने के बाद एक ही साइड से चलाना पड़ता है दोस्तों। देखिए इस तरह चलाना होगा, हल्का हाथों से चलाना होगा। इस तरह चला लिए हैं। अब इडली मेकर में एक एक चम्मच डालेंगे, ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के खाइएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान है बनाने में। बाजार में जो हम लोग खाते हैं वो तो खट्टापन आता है, लेकिन सूजी का इडली बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। देखिए इस तरह भर भर के देंगे। ज़्यादा डाल देने से इडली फूलेगा, तब एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। इस तरह एक के ऊपर एक डाल दिए हैं और एक बाकी है, उसको भी भर लेते हैं। भर लिए हैं। इधर पानी भी देखिए गर्म हो गया है। अब गर्म पानी में इसको डाल देंगे। अब इसको 20 मिनट ढक देंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। बीस मिनट हो गया है। अब ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करने के लिए एक छोटा सा लकड़ी लिए हैं, इस तरह घुसाएंगे। देखिए इडली मेरा बन के तैयार हो गया है। इसको नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतार लिए हैं। इसको ठंडा होने के बाद निकालेंगे। एक बैच हो गया है। दूसरा बार हम इडली मेकर में तेल लगा लेते हैं। जो बचा हुआ बैटर है उसको भी पकाएंगे। सारे इडली मेकर में इसी तरह तेल ग्रीस कर लिए हैं। तैयार भी कर लिए हैं। अब पानी में डाल देते हैं। ढक्कन लगा के 20 मिनट छोड़ देते हैं। इडली को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हो गया है। लकड़ी में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब इडली हो गया है।
इसको भी ठंडा होने के लिए देंगे। इस तरह चाकू के सहारे से चारों तरफ घुमा लेंगे। देखिए कितना स्पंजी बना है इडली। ब्रेड जैसा बन गया है, फूला फूला। इस तरीके से सारे इडली को छोड़ा लेते हैं। देखिए कितना आसानी से छोड़ जाता है इडली, कितना जालीदार इडली बना है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये इडली और सांभर बन के तैयार है। अब एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सांभर का खुशबू बहुत ही अच्छा निकल रहा है दोस्तों, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार जरूर बना के खाइएगा मेरे तरीके से। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, अपना दोस्तों में शेयर कीजिए। एक प्लेट में सर्व कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। एक तो हम तोड़ के दिखाते हैं कितना स्पंजी बना है। ये देखिए कितना जालीदार स्पंजी बना है इडली, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।